सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट स्कैंडल केस की समाप्त हुई। अदालत उज़्मा ने नैब को अमेरिका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी की वतन वापसी का टास्क दे दिया। दौरान समाप्त जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए कानून के तहत हुसैन हक्कानी की वापसी नहीं हो सकती। अदालती मुआवन ने आगाह किया कि नैब वतन वापस ला सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से बाहमी मुआहदे न होने से पचीदगियां हैं। चेयरमैन नैब मुलजिम की वापसी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। नैब के अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मुलजमों की वापसी के मुआहदे हैं। हुसैन हक्कानी ने वापसी से मुतल्लिक अदालत में बयान हल्फी दिया। यकीन दहाने के बावजूद वापस पाकिस्तान नहीं आया, केस में 6 साल जाया कर दिए। अदालत ने मुकर्रना को बिरौने मुल्क मुलजमों की वतन वापसी के लिए कानून साजी की सिफारिश करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।